हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि कभी बुर्का पहन के रेडी रहती है तो कभी रास्ते से अचानक बीच में व्लॉग शुरू कर लेती है, तो कुछ इश्यूज रहते हैं। अरे वेलकम, मेरा इधर इधर अमान है, इधर है। अरे यार एक सेकंड ना गाइस। तो गाइस, आज हमारा पैकिंग डे है। मतलब आज आपको सब सारे सामान दिखेंगे मेरे, जो भी मैंने खरीदी हूँ, ड्रेसेस और जितने भी किचन के सामान हो गए, सारी चीज़ें। तो आज मैं, मेरे कज़िन, हम लोग सब लोग मिल गए ना पैकिंग करने वाले, पूरा फाइनल। तो मेरे थोड़े ब्लाउज और साड़ी के ऊपर के ब्लाउज और गाउन था जो मैंने फिट करने दी थी, तो वो सारे लेने के लिए मैं अभी निकली हूँ। वो सब लेते हैं घर जाके। मैंने सारे कजिन्स में अर्बिना दीदी को भी बुलाई और सोनी अपनी तो साथ में ही है, ये देखो, और भाईजान। और थोड़ी बहुत तो हम लोग को पैकिंग की इन्फॉर्मेशन भी निकालने की थी, थोड़ा सामान वामान का। इधर भाईजान, इधर 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 इधर, थोड़ा रास्ता दिखाना पड़ रहा है। चलो सीधा सीधा चलो, और जो गली आएगी ना अभी, वहाँ से लेफ्ट लेना। अर्बिना दीदी के ससुराल वाला गली आती है ना, तो भाई पीछे नहीं, ये वाली, ये ये, अरे हाँ वो गई पीछे, ये वाला चांद नगर वाला, सॉरी सॉरी, रास्ता बताने वाला भी आधा हो रहा है। हाँ भाई जान, इधर 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 लो, और यहाँ से लेफ्ट ले लेना, राइट नहीं लेना। ये है ना, एक नशीरा आंटी है ना, मम्मा की फ्रेंड, उन्होंने बताया, क्योंकि मैं तो पहली बार ब्लाउज सिला, साड़ी का ब्लाउज सिला रही हूँ ना। हाँ इधर लेफ्ट ले। तो गाइज ये कार्ड है ना, इब्राहिम इन लोग ने ना छपाया, हम लोगों ने कार्ड नहीं छपा, हम लोगों ने, अल्लाह हाफिज भाई जान। तो हम लोगों ने ना इसे प्रिंट नहीं किया, हम लोगों ने डिजिटल कार्ड बनाया, तो ऑनलाइन सबको भेज रहे हैं, तो इन लोगों ने ये हार्ड कॉपी बनाया। डिजिटल छुप रहे हैं जरा, यहाँ पर पकड़े से डिजिटल नहीं, हम लोग डिजिटल। अरे ये हाँ, ये देखो, ये है हमारा कार्ड, ये है हमारा कार्ड, बिग बॉस में सुप्रभात। ये देखो, ये वुडन है, ऐसा है, और ये हमारे घर के है, हमारी शादी का, इसके नीचे का मैं नहीं दिखा सकती। अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको मैं संभाल के रखूंगी, पकड़ा पा, इसको अंदर डाल, संभाल के रख। सो गाइज, ये है मेरा बेडरूम, यहाँ पे ये मेरा लहंगा, ये इब्राहिम का शेरवानी, ये उनके कपड़े हैं बरी के एक, और ये मेरा बैग है, इसके अंदर भी सब सामान है, ये सारा, ये पूरा, ओ माय गॉड, ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्या, हाँ और ये भी है, ओके। हाँ वो शेरवानी है, ये सब भी, कितना सामान है मेरा, पूरा घर भर गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। इंतहा हो गई इंतजार की। तो गाइज, डेकोरेशन वाले अंकल आने वाले हैं, मतलब बात करने के लिए, हम लोग जैसा डेकोरेशन करवाने का है बिल्डिंग में, घर में, बाहर पैसेज में, हम लोग हल्दी प्लानिंग का सोच रहे हैं। सब लोग कैसे इंतजार में बैठे हैं उनके, जैसा डेकोरेशन वाले अंकल थे उनके घर के दामाद ही आ रहे हैं, बताओ। ए देखो आई मिल गई तो मैं बोल दी। तो गाइस अंकल आ चुके हैं और मैं डेकोरेशन बता रही हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक मैंने ऐसा वाला सोची हूँ, बट मेरे को पैसेज में मेरे कराने का है, तो अंकल बोले उतनी स्पेस नहीं रहेगी, तो और ना मेरे को ये वाला चाहिए, ये जो नीचे बैठते ना लोटस टाइप में, बट वो अंकल के पास अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ना ये वाला सोचे, थोड़ा सिंपल में बेसिक, बट ऐसा नीचे सोफ़ा नहीं रहेगा, जो गद्दी है कुछ अलग थीम है। तो अभी अंकल बोले कि उनको पहले मैं जगह देख लेता हूँ एंड फिर डिसाइड करता हूँ, तो यहाँ पे अभी जगह देखी जा रही है, डिस्कशन इज़ गोइंग ऑन कि कहाँ पे करना है, कैसा करना है, क्योंकि खाना भी यही होगा, डेकोरेशन भी होगा। हमारी पैसेज माशाल्लाह देखो, 0.5 से देखो, हमारी पैसेज माशाल्लाह बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे मेरा हल्दी फंक्शन आराम से हो जाएगा। पीला नहीं, सफेद नहीं लगा सकते, खिल्ला, ओके खिल्ला चलेगा। हाँ कपड़ा, हाँ हाँ कपड़ा चाहिए, नहीं लाइटिंग नहीं, वो जो पीछे जो बनाएंगे ना अलग अलग कलर का, उस पे लाइटिंग, परेशन पे लाइटिंग रहेगी ना तो भी चलेगा। मैम, मैम, ग्रीन वाली पिंक, ये साड़ी है, हाँ
हाँ ये ब्लैक है और ग्रीन है और एक पिंक वाली है वो मैंने नहीं करी। ये दोनों का ही ब्लाउज लेने गई थी मैम। यही तू बता, निमंत्रण क्या है? निमंत्रण जैसे इब्बू की शेरवानी लिए जोर लगा के है। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी बड़ी सामान लेके आई। चल ले पकड़िए भाई, संभाला कांच का है। नहीं नहीं नहीं, इसको नीचे इसको संभाल के एकदम हल्लू। थैंक यू। सेलो टेप सीजर के अंदर जो भी है। ए आपा ये सब भी देखा, ये सब को भी एक उसमें उसमें कर। गाइस ये मैंने ना गरम मसाले के हिसाब से मैंने दो डब्बे लिए छोटे छोटे, और ये चम्मच भी है। हाँ चम्मच सेट है, छोटे डब्बे है। ये है बेलन। अरे मैं बोल रही ना ये डब्बे एक इसमें करना, नहीं एक इसमें यानी कि अभी ये हटा, ये मसाले के डब्बे हटा, जैसे ये डब्बे है वो बॉटल का है, वो सब डब्बे एक इसमें रखो ना। वो मैंने अभी डब्बे का भिजाई थी सारा के हाथ से। डब्बे नहीं ये डब्बे देख, हाँ ये डब्बे है देख ये वाले। मैं बोल रही हूँ डब्बे से जितने डब्बे है ना, देख बॉक्स भी फटा है अच्छे से। अगर अरे नहीं बॉक्स से मत निकाल, हाँ चलेगा रख ले थैली से। हाँ वो भी है तो बॉक्स दूसरे इसमें काम आ जाएगा। बोल रही ये वाले डब्बे एक लियो मैंने, और नीचे तो चौकी है। चौकी ये हिल रहा है। चम्मच वगैरह देख, ये सब डब्बे को ऊपर नहीं सेट कर सकते, छोटे छोटे जो डब्बे बनाए। अच्छा बेस है। ये देखो ये ट्रे लियू मैंने सेट ऑफ थ्री। हाँ देखो गाइस आपको ग्लासेस का सेट नहीं दिखाई देना, ये ग्लासेस का सेट है। ये देखो ये डिजाइन है, ये मैंने ना जूस वूस के लिए ग्रीस करने के लिए। तो ये गाइस ये कांच का ग्लास है जो मैंने पानी पीने के लिए लिया, सेट ऑफ सिक्स है। ये लियू मैंने ऑनियन के लिए स्लाइसर। और ये कौन सा ग्लास है? ये मम्मी का ग्लास निकाल चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। अच्छा ये अरबिना दीदी वाला, हाँ ये भी है ना गाइस कांच का एक ग्लास है जो दीदी ने गिफ्ट किया है ये वाला। अरे अपने पास माशाल्लाह बरकत है ग्लास की। जग लियो, ये एक जग है जो आप लोग ने देख रहे हो, और ये चाय के मग्स है बड़े बड़े। तो ये मेरे बैग का बॉक्स, आपने जो बैग खरीदे थे ना, इसको क्या हो रहा है अभी सांग में आ रहा है। हाँ 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 ठीक है। गाइस सारे बॉक्स अंदर पहुंचा रहे हैं लोग, इतना थक गए कि लात मार मार के पहुंचा रहे, बताओ। तो बाकी का ब्लॉग मैं कल कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल मैं भी ज़्यादा थकी गई हूँ। ए समाल अफरा। सो गाइज आज हम करने वाले हैं मेरे कपड़ों की पैकिंग, और जो भी ऊपर ऊपर के जितने भी कपड़े और बेडशीट है, कंफर्ट है, कंफर्ट तो पैक है, वो तो ऑलरेडी एक बड़े बैग में है, और जो भी चीज़ें हैं जैसे कि ये सारे मेरे कपड़े हो गए, इसमें बुरखे है, ये बैग पीछे सारे सामान, वो सब अभी पैक करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरा बैग। वो जब जब मेरे ड्रेसेस आते गए तो मैं एक एक बैग में पॉलिथीन में भर भर के डालते गई, तो वो ऐसा फटफट पैक होते गए। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों की, मैं ये बैग खोलने ही नहीं वाली थी, पूरा डन था बैग, फिर भी मैं आप लोग को दिखाने के लिए मेरे ड्रेसेस ऊपर ऊपर से अब खोलूँगी नहीं, बस ऊपर ऊपर से दिखाऊँगी, थैली से नहीं निकालूंगी। तो सिर्फ आप लोग के लिए मैंने ये खोली हूँ बैग। तो ये देखो सबसे पहले एक ये मेरा ड्रेस है, एंड ये सारे मेरे कॉटन के ड्रेस है, और लेकिन इसके दुपट्टे ना बहुत अच्छे, दुपट्टे बहुत अच्छे। ये हो गया, ये तो मेरा ईद वाला ड्रेस है, जो ईद में अभी ये रमज़ान ईद में पहनी थी ना, ये तो एक ही बार पहनी थी, ये मैंने ना कपड़ा लेके सिलवाई थी। ये वाला ड्रेस है, इसका दुपट्टा ना पूरा नेट का है। तो ये सारे ड्रेसेस जो मैंने लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में बोली थी कि मैंने 40 ड्रेस ली थी, तो एक्चुअली वो 40 नहीं थे, वो 20 बोलना था, तो मेरे मुंह से 40 निकल गया था, तो अभी मैं करेक्ट करती हूँ। तो ये भी है, इसका ग्रीन कलर में दुपट्टा है। ये है, ये ओरिजिनल पाकिस्तानी ड्रेस है जो लकीली मुझे मिल गया यहाँ पे मुंबई में, वो भी घर बैठे बैठे एक पहचान वाले के थ्रू। और ये है जो आप देखे रहेंगे मेरे वीडियोज़ में, ज़्यादा नहीं मैंने 2-3 बार ही पहनी हूँ, तो इसको भी मैंने पैक करके रखी, और जो अभी दावत हो गई शादी के बाद,
मेरे घर पे, मेरे इन लॉज के यहाँ पे, तो वहाँ पे पहनने के लिए। ये एक मेरा स्टिच ड्रेस है जो कि मैंने अभी तक पहनी नहीं हूँ। ये हैवी में ही है, ये भी बहुत अच्छा है, ये मेरा फेवरेट है, ये वाला और ये वाला। ये वाला तो आप लोगों ने देखे रहेंगे, ये पहनी थी ना मेरे मांगने में मैंने। हाँ, मेरा जो मांगना हुआ था, मंगनी नहीं, मांगना यानी कि रिश्ता पक्का, पक्के की रस्म, उसमें मैंने ये वाला पहनी थी जो आप लोगों ने देखे हो। इसको भी मैंने पैक करके रख दिया एज इट इज। एंड ये तो मेरा बहुत कॉमन ड्रेस है जो मतलब इनर और ऊपर से जैकेट वाला है, आपने मोस्ट देखे रहेंगे, अबाया वाला मेरा फेवरेट है। और एक इसके साथ कौन सा है मम्मा, वो पिस्ता नहीं, पिस्ता और पीच, ये पीच, इसके से ऐसा पीच कलर का एक ड्रेस है, डिजाइन अलग है लेकिन फैब्रिक यही है। तो वो मैं शादी के नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पहनूंगी, तो वो मैंने बैग में डाली हूँ, ये छोटे वाले, वो नहीं दिखाने वाली, वो डायरेक्ट आप नेक्स्ट डे वाले ब्लॉग में देखना मेरे। तो इसको भी मैं एक ही बार पहनी, तो मेरे कबट में था तो मैंने इसको भी ले ली। मतलब मोस्ट कपड़े मेरे ऐसे हैं ना कि जो मेरे कबट के भी कपड़े जो वन टाइम यूज़ किए हुए हैं या मैंने यूज़ ही नहीं किए, बस स्टिच करके रखे हुए, वो भी कपड़े हैं और ये खरीदे हुए भी। ये एक ऑफ वाइट में, ऑफ वाइट नहीं, क्रीमिश में भी मैंने एक ड्रेस ली हूँ वाला, जो बहुत पुराना है मेरा, मतलब 3 साल पुराना ड्रेस रहेगा ये। इसको मैंने सिर्फ 2 बार पहने हूँ और ये ऐसे ही था, तो मैंने मम्मा ने पूरा ड्राई क्लीन कराया, इस्तरी करा के, और थोड़ा फिट हो रहा था थोड़ा ज़्यादा ही फिट हो रहा था, तो लूज करा के टेलर के पास से अच्छे, तो मैंने इसको भी पैक कर लिया। तो ये हो गए मेरे ड्रेसेस। अब मैं आपको दिखाती हूँ सारे फ्रेश ड्रेसेस जो मैंने कल ही टेलर के पास से लाई। गाइस ये जो मेरा पूरा बैग है, इसके अंदर है ना सारे दुपट्टे हैं, जितने भी कपड़े मैंने सिलाने दी थी वो, और जितने कपड़े भी आप लोगों ने देखे वो सिला के, तो उसमें से एक एक निकाल के मैंने दुपट्टे के साथ पैक कर दी। और ये सारे कपड़े भी बचे हुए हैं जो कि अभी हम पैक करेंगे। 5-6 ड्रेस ऐसे ही रखी जो मैं सिलाई नहीं हूँ, जो बाद में मैं सिलाऊंगी, सारे ड्रेस अभी सिलाऊंगी तो बाद में मोटी हो गई और दावत है खा के इसकी मैंने पेंट बनाई हूँ, लेस नहीं, लेस बोलते वर्क भी लेस भी। ये हो गया इसका, ये मैंने सिंपल सा कुर्ता सिलाई हूँ, छोटी गाड़ी में नहीं, तो टेलर ने अपने करके दिया है। मैंने ना ऐसे कॉटन के कुर्ते लिए हुए, देखो पाकिस्तानी सूट है, हाँ पाकिस्तानी सूट टाइप्स जो रहते हैं ना कॉटन के, वहाँ भी रहने दो, बाल गिल्ले यार मेरे, ओके अब भी ढाके चाहिए। तो ये मेरा कॉटन के ड्रेसेस है, मैंने ना साथ ये मैं के सादे नहीं लिए, ऐसे मैं के ना 4-5 ही ली हूँ, जिसके है ना यहाँ पे पैच वर्क है, क्योंकि मैं कॉटन ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, मैं कॉटन के ड्रेस मेरे को नहीं, पता नहीं मेरे को नहीं जमते, या फिर कॉटन का ड्रेस रहेगा और दुपट्टा कॉटन का नहीं चलता है मेरे को, और या तो फिर जो दूसरे का आते ना मेरे को नाम भी नहीं याद आ रहा, तो वो नेट के दुपट्टे या कोई और दुपट्टे मेरे को चल जाते हैं, मेरे को कॉटन के दुपट्टे नहीं चलते। गाइस ये मेरा दूसरा ड्रेस, ये एक मेरा फेवरेट है, ये थोड़ा ना मेरे को राजस्थानी टाइप वाइब देता है, इसकी स्लीव्स, इसकी स्लीव्स मेरे को अच्छी लगती है, लेकिन ना टेलर अंकल ने ना घान कर दी, मैंने उनको बोली थी फुल स्लीव्स रखना यहाँ तक कि एक ही टाइट में अच्छी लगेगी, बट उन्होंने 3/4 कर दिए, एक साथ कपड़े देते हैं ना तो ऐसा ही होता है, और हमारे टेलर अंकल तो माशाल्लाह। मैं ये ड्रेस सिर्फ स्लीव्स के लिए ली हूँ, क्योंकि मेरे को उसकी स्लीव्स बहुत पसंद आई, और मैंने जैसा सोची थी ना उसको पूरा अपोजिट सिला दिया अंकल ने, मेन स्लीव्स का शो था और स्लीव्स में अंकल ने घान कर दिया, और इसके गले पे वर्क है, और ये तो सिंपल ही है, और उसका दुपट्टा, ये दुपट्टा है ये भी सिंपल ही है। नेक्स्ट ये वाला कुर्ता है, ये कॉटन का ही है लेकिन इसका गले का वर्क अच्छा है, और इसके नीचे की ये प्लाजो बनाई हूँ, उसके नीचे मैंने ना मिक्स शलवारें बनाई हूँ, लाइक किसी का पैंट बनाई हूँ और किसी के प्लाजोज बनाई हो। अम्मी प्लाजो दिखाओ तो, ये देखो ये वाले इसका ना मैंने प्लाजो सिलाई हो और अच्छा एकदम घेर वाला, ऐसा नहीं थोड़ा मोटा क्यों ना, मतलब ये जितने भी ड्रेस आप देख रहे हैं ना सारे मैंने एक जगह से ही, एक ही दुकान से मिल गए, देखो अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग इसके एक दुकान से मिल गए, ये कॉटन हो गया, ये हो गया, हैवी ड्रेसेस जो आप लोग ने देखे इसके पहले सब एक ही दुकान से मिले, वो मेरी एकदम गनीमत हो गई, नहीं तो मेरे को हर एक चीज़ के लिए एक दुकान घूमना पड़ता। हाँ खैर, तो ये हो गया, और ये इसके ऊपर का दुपट्टा है मेरा। मोस्ट ड्रेसेस का यही है कि मेरे जो दुपट्टे हैं ना वो बहुत यूनिक है और एकदम माशाल्लाह, और जो भी और इससे अच्छे जो यूनिक दुपट्टे हैं ना अलग अलग इसके, कोई नेट का है, कोई अलग डिज़ाइन का, इसमें बड़ा फ्लावर है, वो सारे ये बैग के अंदर है जो इसके पहले जो मैंने पैक कर दूँ, तो ये अभी जो खुले हैं जो अभी कल टेलर के पास से लाई वो आपको सिर्फ दिखाने मिल रहा है। ये ड्रेस लेने का रीज़न भी मेरे को ये दुपट्टा है,
जो कि बहुत ही अच्छा लगा है मेरे को, इतना अच्छा लगा है ना, मतलब देखो ऊपर से ना मेरे इसमें शो है ना, मेरे ड्रेसेस में शो है ना, मेरे दुपट्टे का ही होता है, मैं दुपट्टा पूरा फैला के ऐसा कंधे पे एक साइड लेती हूँ ना, तो वो लुक ज़्यादा अच्छा आता है। देखो मेरे ड्रेसेस है ना सिर्फ दुपट्टे के, सबके दुपट्टे के शो है, सब दुपट्टे के वजह से। खाली मैं ना वहाँ पे दुकान पे भी है ना आंटी दिखा रहे थे, आंटी इसका दुपट्टा कौन सा, ये है डन साइड में रखो, ये हाँ ये अच्छा है साइड में रखो, ड्रेस पूरा कवर हो ही जाता है दुपट्टे से और सर पे तो स्कार्फ रहता है। ये है माशाल्लाह, ये सुनना बचा था मेरी नानी तरफ से, नानी माशाल्लाह माशाल्लाह बोली बोलती बुरखा है ना, नानी बुरखा नहीं है बड़ी, ये ड्रेस है, ये है मेरा ड्रेस एंड अब डबल फेवरेट है। ये देखो ये दुपट्टा है, ये मेरा फेवरेट ड्रेस है क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। और बोलते ना अल्लाह देखो फरिश्ता भेज देता है मदद के लिए, मैं कब से बोल रही थी कोई नहीं है हेल्प के लिए। और आपको मालूम गाइस ये जो दुपट्टा है ये मेरे इसमें था और मेरे को लगी इसका ड्रेस मैंने टेलर अंकल को दी सिलाने के लिए, और मैं टेलर अंकल को फोन करी बोली अंकल आपके पास है क्या दुपट्टे ड्रेस है क्या इसका, तो अंकल भी वहाँ पे परेशान ढूंढ रहे भाभी सही में अभी जस्ट फोन की मैंने, तो टेलर अंकल है ना ढूंढ रहे कि ड्रेस, बोलते अरे नहीं है, बोली नहीं अंकल आपके पास ही अच्छे से देखो, और फिर मैं ना एक बार क्रॉस चेक करी ना तो एकदम जो मेरा अंदर देखो बेडरूम अंदर देखो फुटता है के अंदर मिल गई। ये देखो ये बैग के अंदर मेरे सारे अनस्टिच ड्रेसेस है जो मैं बाद में सिलाऊंगी, अभी बहुत सारे ड्रेसेस हो गए बाबा, तो उसके अंदर मेरे को ये वाला ड्रेस मिल गया, संभाल के रखती हूँ। तो गाइज ये मेरी साड़ी है ग्रीन वाली और भाभी ने देखो ये ब्लैक वाली कितने खूबसूरत से तरीके से पैक किया, वो बहुत मजा आ गई। ये आगे ब्लाउज रखे और ये पीछे बॉर्डर, तीन साड़ी है बट मैंने ये दोनों को ही ब्लाउज सिलाई है, और जो दूसरी कलर की है ना पिंक वो मैं इधर ही रख के जाऊंगी। और इससे ने हैरान करके निकाला है मम्मी को खाली। So beautiful, so elegant, just looking like wow, baby. Oh, oh, nice, nice, nice. चलो अभी फटफट से ये सारे ड्रेसेस जो मैं पुन्ने पैक किए हैं ये रख देते हैं, अभी इसको बंद करना है। एंड गाइस ये एक गाउन है जो कि रह गया था, दुपट्टा नहीं डाले, अरे हाँ इसका दुपट्टा का है। सो गाइज एक ये मेरा बुरखा है, इसकी स्लीव्स ये सब तो मैं मेरे बुरखे माशाल्लाह सूरत से मंगाती हूँ, आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी आईडी जहाँ से मैं बुरखा मंगाती हूँ अबाया फैक्ट्री से। ये देखो ने भेजा क्या, हाँ ये उसने भेजा है। एक ये शॉर्ट जैकेट टाइप पैटर्न है, बट भाभी इसका क्या हो जा रहा है मालूम क्या, ये जब मैं पहन रही हूँ ना तो आगे से जैकेट है ना इसका फिर साइट हो जा रहा है, पूरा शो ही खराब हो जा रहा है, तो मैंने सोची ना कि इसको ना स्टिच कर दूं। नहीं करना, नहीं ना तो बोला स्टिच करेंगे ना पूरा खराब हो जाएगा, पर पूरा साइट चले जा रहा है ना, कुछ पिन वो टाचने टाइप रख उसको है ना, जब पहनूंगी तभी हल्की से टाचने लगा दूंगी क्योंकि ना पूरा साइट हो जा रहा है चेस्ट के पास से, अटैच करने में तो खराब हो जाएगा। फिर भी देखो सही की है पैकिंग घड़िया, ये बहुत प्यारा है माशाल्लाह माशाल्लाह। डांट सुन के कैसा लग रहा हो अभी, एकदम रियाना की तरह मुंह बना रहे। कैसी है वो रियाना? अच्छी है अच्छी है। ये और एक बुरखा है मेरा पिंकिश कलर का, तो मैंने खरीदी हूँ ये तीन मेरे सूरत के, और एक आने भी वाला है तो वो फिर आएगा तब मैं पैक कर दूंगी। हाँ ना आप अपनी मस्ती से करें। ये हाँ नमाज का है, ये शायद है ना किसी ने कोई उमरा को गया था ना तब मम्मी को लाया था शायद, और ये मेरे नाइट ड्रेस है तीन, ये तीसरा, और ये सारे स्कार्फ है, ये बैग ही अलग है नाइट ड्रेस की बुरखे की और स्कार्फ की। तो गाइज ये मेरा छोटा वाला बैग है जिसके अंदर मेरा टॉवेल है और ये एक ड्रेस है जो मैं फर्स्ट डे पहनूंगी शादी के बाद,
ये हिजाब है जो इसके ऊपर वेयर करूँगी और नीचे नाइटी है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टूथब्रश, शैम्पू एंड मेरा सोप। ये हो गया मेरा बैग एंड कंगी। गाइज ये मेरे तीनों बैग रेडी हो गए। इसके अंदर मेरे सारे ड्रेसेस है और दो साड़ियाँ है जो आप लोग ने देखे। इसके अंदर मेरे सारे नाइटी है, हिजाब्स है, बुरखा है और ये फर्स्ट डे नेक्स्ट डे वाला बैग है छोटा वाला। ये हो गया रुमाल सेट। ये रुमाल मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बस ले रही हूँ और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टिश्यू यूज़ करती हूँ। और ये ईयरबड्स जो मेरे को बहुत लगते हैं यूज़ करने के लिए, तो ये तो मेरे को मस्ट चाहिए ही। एंड नेक्स्ट है ये जो मैंने उस दिन आपने देखे रहेंगे घाटकोपर से जो मैंने शॉपिंग की थी, इयर रिंग्स एंड रबर बैंड्स जो रात में को छुट्टी बांधने लगता है। और इसके अंदर ना एक नोज रिंग है, देखो यहाँ पे रोज रिंग है, ये एक रख लेती हूँ। तो मैं सारी चीज़ें नहीं लेके जा रही हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें लेके जा रही हूँ जिस चीज़ की मेरे को ज़रूरत रहेगी। और क्योंकि मुझे अभी आइडिया ही नहीं आ रहा और क्या क्या डालूँ, मेरी आधी से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे भी है बट क्या डालते यार, और ज़रूरत का सामान लेके जाती, बाकी क्या टेंशन है, लगेगा तो यहाँ पे आके ले लूँगी और क्या डालते यार, सब लेके जाऊँ, क्या इतना ही करती हूँ, देखती हूँ। और अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है तो फिलहाल तो इतना हो गया। अरे एक्चुअली क्या हो जाता है मालूम क्या, एक बार में याद नहीं आता फिर है ना बाद में, अब मैं पूरा चेन वेन ला के बैग रख देती हूँ, उसके बाद में हो जाता है अरे यार ये भी डालना था वो भी डालना था। और अभी मेरे पास यही एक बैग बचा हुआ है जिसमें मैं सामान सब रख सकती हूँ। एक जो मेरा ये वाला बैग है ये पूरा कपड़ों से भर चुका है जो आप लोगों ने देख लिए, इसमें इतनी सी भी जगह नहीं कि मैं कुछ एक्सेसरीज मेरी रख सकती हूँ। अब यही बैग है इसके अंदर ही सोच सोच के डालना है। और छोटा वाला बैग है उसके अंदर तो मेरे सिर्फ नेक्स्ट डे के कपड़े रहेंगे। और देखती हूँ सोचती हूँ और क्या कुछ याद आ जाए भाई, मेरे कितने काम बचे हुए। आप लोगों को मालूम क्या, जो हल्दी के दिन मैं वो पहनने वाली हूँ, साड़ी पहनने वाली हूँ, उसके अंदर का पेटीकोट जो स्लिम फिट पेटीकोट होता है, मैं वो लूज वाला नहीं पहनती हूँ, स्लिम फिट पेटीकोट पहनती हूँ, वो अच्छा रहता है बॉडी शेपर, बॉडी शेपर बोल रही हूँ, स्लिम फिट पेटीकोट जो रहता है ना वो अच्छा लगता है मेरे को, तो वो पेटीकोट भी लेना बाकी है। और जो मेरा पे चूड़ा रखा हुआ है, और जो ये वाला चूड़ा रखा हुआ है इसके ना कड़े भी नहीं आए हुए है, वो भी लेना है। मैं बोला था एक हफ्ते बाद आएंगे और एक हफ्ते के ऊपर हो गया है शायद, आज मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, मतलब इतने काम पेंडिंग है। मैं सोची थी कि लाइक नवंबर में या दिसंबर की 10 तारीख तक लास्ट मैं कंप्लीट कर लूंगी शॉपिंग, उसके बाद आराम सुकून से आराम करूंगी, बट ऐसा होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। देखना जिस दिन मेरे को हल्दी भी लग रही रहेगी ना, जिस दिन मेरा कुछ फंक्शन रहेगा तभी भी मेरे को क्लिक होगा अरे हाँ ये लेने का था वो लेने का था। बताओ अभी बैठी हूँ सुकून से बक बक कर रही हूँ तब मेरे को याद नहीं आ रहा है कि अब इसमें और क्या डालने का है। मैं पूरा कबर्ड चेक कर ली हूँ अब मुझे नहीं याद आ रहा है। अभी जब हो जब ऐसा बैठूंगी या कुछ काम में रहूंगी एक दो दिन बाद फिर मेरे को याद आएगा अरे हाँ ये डालने का, फिर बैग खोलो फिर डालो। यार क्या परेशानी है भाई, देखूंगी इतना ही सामान लेके जाती, बाकी जरूरत पड़ी तो आके ले लूंगी, तो इधर ही रहना तो कौन सा घर दूर है, बाजू बाजू में तो है, बाजू बाजू इन सेंस 10-15 मिनट्स का ही तो रास्ता है इब्राहिम के घर से और मेरे घर में।